रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक ऐसी साधना के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो बहुत ही गुप्त है। भाषा और साबर मंत्र के लोकल भाषा में होने के कारण बहुत सारी साधनाएं गुप्त हो गई, विलुप्त हो गई। जो साधनाओं का प्रचलन दक्षिण में शुरू हुआ वो दक्षिण में ही रह गया, जिन साधनाओं का प्रचलन नॉर्थ ईस्ट में रहा वो नॉर्थ ईस्ट का होके रह गया, जिन साधनाओं का प्रचलन गुजरात महाराष्ट्र में था वो वहीं पर बस गया क्योंकि भाषा वहाँ की थी, और जो साधना जम्मू कश्मीर के तरफ किया जाता था वो वहीं पर रह गया। तो मूलतः तंत्र इतने खंडों में विभाजित हुआ भाषा के चलते, और कभी भी किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि दूसरी भाषाओं का तंत्र को समझा जाए। इसमें एक छोटा सा मैं प्रयोग कर रहा था तो मेरे सामने एक बहुत ही गुप्त तंत्र आया और मैंने सोचा कि ये आप सब लोगों के लिए लाभप्रद होगा। एक साउथ इंडिया की भाषा में ये तंत्र और इसका जो यंत्र है वो मुझे मिला, और मेरा छोटा भाई है वहाँ पर गुरु भाई, उसने मुझे मदद किया इसको समझने में, इसकी भाषा को समझने में, इसका प्रयोग करने में। तो आज यही तंत्र मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और जिनका जिनका मूल धन और हक का पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो इस तांत्रिक प्रयोग का प्रयोग करके उस धन को वापस ला सकते हैं। पहले दो चीज़ समझनी है कि आप लोगों का पैसा फंसता क्यों है। पैसा फंसने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है कार्मिक कनेक्शन का, मतलब आपने कुछ ना कुछ अगले से ऋण लेकर के, अगर इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में, उसका ऋण चुकाया नहीं है, इसलिए वो ऋण आपका लेके और फिर लौटाता नहीं है, या किसी काम पे जब आपका पैसा फंसता है। ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि क्या उस कर्म को आप अपने आने वाले जीवन में लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं या इस जीवन में बिना उस ऋण के भुगतान का आपका जीवन यापन मुश्किल है तो फिर इस तंत्र को करना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं दुर्गा सप्तशती के बारे में व्याख्यान कर रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दुर्गा सप्तशती को अगर बिना विधान का पढ़ा जाए तो वो मार्कंडेय पुराण है। मतलब मार्कंडेय जी ने जो माँ भगवती देवी दुर्गा की कथा वाची है वो वही है, लेकिन अगर उसको तरीके से, जो क्रम है जिस तरीके से उसको पढ़ना है वैसे पढ़ा जाए तो दुर्गा सप्तशती जो है एक पूरा मंत्र है। तो इस मंत्र के कई प्रयोग हैं और उसी में से एक प्रयोग है ये, जो किसी के पास आपका अगर धन फंस जाए तो वो धन को निकालने का प्रयोग। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, इसके लिए देखो, इसको कहते हैं दनिका वशीकरण तंत्र, दनिका वशीकरण तंत्र, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए गोरोचन। अच्छा, गोरोचन जब मैं बोल रहा हूँ तो ये याद रखना कि गोरोचन दो प्रकार का होता है। गोरोचन एक सफ़ेद होता है और एक लाल होता है, कहा जाता है लाल गाय से लाल निकलता है। तो जो लाल गोरोचन होता है वो प्रयोग होता है मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण में, और जो सफ़ेद गोरोचन होता है उसका प्रयोग गणपति इत्यादि की पूजा में किया जाता है। तो हमें प्रयोग करना है गोरोचन जो कि लाल हो, लाल का गाय से निकला हो। शुद्ध कुमकुम चाहिए आपको, ठीक है। एक भोजपत्र लगेगा, चमेली का एक डंठल तोड़ लाइए और उससे कलम बनाइए, ठीक है। और उसके बाद गोरोचन और कुमकुम को जल से मिला लीजिए
और उसके बाद जो आपके स्क्रीन पर अभी यंत्र आ रहा है, इस यंत्र को आप बनाएंगे, ठीक है? बहुत ही दुर्लभ यंत्र है ये। तो जब आप इस यंत्र को देखिएगा तो आप देखिएगा सबसे बाहर में एक ऑरेंज पट्टी है, ठीक है? इस ऑरेंज पट्टी पे रिम लिखा हुआ है। आपको टोटल 34 बार इस पट्टी पे रिम लिखना है, मतलब चारों तरफ इस पट्टी के अंदर, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर आपको 34 बार रिम लिखना है, ठीक है? जो अंदर की पट्टी है, मतलब वो जो षटकोण जो बना हुआ है, छह कोनों का जो तारा बना हुआ है, उसके हर कोने के अंदर, मतलब हर घर में क्लिम लिखेंगे, और ठीक उसके बाहर जो अल्टरनेट खाली जगह होगी वहां पर आप क्लिम लिखेंगे, मतलब क्लिम टोटल आप 12 बार लिखेंगे। और जो बीच में स्थान है वहां पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसने आपका धन लिया हुआ है, या फिर जिसको आपको धन देना है, जिसको प्रभावित करके आपका धन आपको वापस मिल जाएगा। तो ये हो गया यंत्र बनाने का विधान। ऐसा जब आप यंत्र बना लेंगे तो इस यंत्र को अपने पूजा स्थान पर रखकर और इसका पूजा करेंगे, ठीक है? इसका पूजा, जो जैसे भगवती की पूजा मैंने आप लोगों को बताई है, उसी प्रकार से इनका पूजा आपको करना है, और 7 दिन तक दुर्गा सप्शती का विधि अनुसार पाठ करना है। जिनको दुर्गा सप्शती का विधि अनुसार पाठ ना आता हो, वो किसी पंडित को या किसी तांत्रिक को बुलाए और उसके बाद 7 दिन दुर्गा सप्शती का पाठ कराए। 7 दिन के पाठ के बाद इसका दशांश हवन होगा। दशांश हवन का मतलब क्या होगा? दुर्गा सप्शती आपने अगर किया तो उसका दशांश हवन कैसे करेंगे? तो उसका दशांश हवन होता है 1008 बार नवारण मंत्र से आप आहुति देंगे, ठीक है? नवारण मंत्र सबको पता है, नवारण मंत्र कैसे करना है मैंने बता रखा है। तो 108 बार उससे आहुति देंगे। उसके बाद किसी कुमारी कन्या को, जो कि आपके अपने परिवार की हो, किसी दूसरे के परिवार की अगर आप कुमारी कन्या को भोजन कराते हैं, तो ये पूरे यज्ञ का प्रभाव उस कन्या के परिवार के पास चला जाएगा। इसीलिए आपको अपने घर की किसी कुमारी कन्या को भोजन कराना है और वस्त्र आदि देना है, जैसे कि कुमारी पूजन में होता है। इतना करने के बाद इस यंत्र को आप 8वें दिन उठाएंगे, इसको सोने या चांदी के ताबीज में इसको डाल करके, और उसके बाद इसको गले में धारण करेंगे। इस 7 दिन के क्रिया को करने से जो व्यक्ति आपके धन को देने के बारे में सोच भी नहीं रहा है, वो सामने से आकर आपको धन दे के जाएगा। इस पूरे विधान की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस विधान को करने से आपको फिर कभी भी उस व्यक्ति को पैसे के लिए नहीं बोलना पड़ेगा, वो व्यक्ति खुद आकर के आपको आपका धन लौटा के जाएगा, ठीक है? तो ये एक विद्या है जो कि भगवती देवी दुर्गा के प्रभाव से इस तंत्र को करने से आपका जो भी धन है, जो भी फंसा हुआ धन है, वो आपको वापस मिल जाता है। इसके अलावा इसी पद्धति में दुष्ट मोहन यंत्र होता है, ठीक है? तो मान के चलिए आप कहीं कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है? या फिर आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके किसी काम को होने नहीं देता है, आपके हर काम में अड़चन देता है, और उसके पीछे अगर कोई कारण ना हो, तो उसके लिए एक दुष्ट मोहन यंत्र है। तो उसका साधना इस यंत्र से थोड़ा सरल है, क्योंकि उसमें सिर्फ विधि है यंत्र की, और मनोभाव मंत्र होता है, जो मैंने बताया था कि एक तंत्र होता है जिसमें मंत्र नहीं होता, मनोभाव ही मंत्र के रूप में काम करता है। वो मैं आपको जल्द दूंगा। ये उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने बहुत बार मुझे लिखा था कि ऐसी कोई साधना दीजिए जिससे कि मेरा पैसा फंसा हुआ मिल जाए, तो आप लोग सभी ये साधना कीजिए। एक विषय और है कि साधना करने से पहले, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि क्या वो पैसा आपके किसी कर्म के चलते रुका हुआ है, क्या वो पैसा आपके लिए इतना जरूरी है कि इस जन्म में उस कर्म को ना भोग के
आप अगले जन्म में उस कर्म को भोगना चाहते हैं? अगर दोनों का जवाब हाँ है तब इस साधना को कीजिएगा, क्योंकि इस साधना का 100% रिजल्ट आता है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये साधना मेरे पास करीब 6 महीने से थी, मैंने इसको टेस्ट किया है, तब फिर आप लोगों को दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। जो नया अगस्त का साधना ग्रुप है वो चालू हो चुका है, तो अब आप में से जो भी जुड़ेंगे वो सितंबर के साधना ग्रुप में जुड़ेंगे। साधना शिविर होने जा रहा है अगस्त के 22 और 23 तारीख को शिवपुरी मध्य प्रदेश में। जिसको एनरोल होना है वो वेबसाइट पर जाएं और एनरोलमेंट कर लें। अगले महीने यानी सितंबर में यही साधना शिविर पुणे में लगेगा, तो जिसको पुणे के लिए एनरोल करना है उसके लिए भी ऑप्शन है वेबसाइट पे। तो आप अगस्त और सितंबर में साधना शिविर में आना चाहते हैं तो साधना शिविर में आइए। यहाँ पे साधना का सारा विषय प्रैक्टिकल जो शुरुआती साधन साधक चाहिए होता है, साधन गुरु मंत्र और मनात्मक में इंडक्शन सब साथ में आता है कान्हा प्राण। आज के लिए इतना ही। आप सभी को माँ भगवती का आशीर्वाद मिलते रहे, आप सब धन धान्य से परिपूर्ण रहे, ऐसा मेरी कामना और माँ भगवती से प्रार्थना है। जिनको साधना का जो बेसिक मंत्र होता है जैसे आसन, बंधन, भैरव, ये सब साधना जिनको सीखनी है वो मेरे पेड बेसिक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9421885885। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए, rudranath@cm4 टाइप कीजिए, मेरा प्रोफाइल आएगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश रख आदेश।